जस पंजाबी ते तुहाडा स्वागत है जी। मैं जगतार सिंह जग्गी। सब तो पहला फतेह अर्ज है, वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। असी अक्सर जस पंजाबी ते गल करी दी है कि ज्ञान दा जिहड़ा वंडना बहुत वड्डी गल है, बाकी सारा कुछ असी करदे हां। उस कड़ी दे विच बड़े लंबे समय तो अकाल अकैडमी बड़ू साहब वालों बड़े उपराले किए गए ने, उत्थे एजुकेशन के बड़े वधिया प्रबंध किए गए। इस तो पहला बाबा इकबाल सिंह जी आउंदे सी जदों विदेशों के तां संगतां दे विच बड़ा प्यार हुंदा सी, सत्कार हुंदा सीगा ते बहुत उत्साह दे नाल संगतां उन्हां नूं उड़ीकदियां सीगियां, पर परमात्मा दे चरणां विच जावराज ने। उन्हां तों बाद हुण बाबा दविंदर सिंह जी जो कि डॉक्टर ने, उन्हां ने सेवा संभाली आ। ते जिवें साडी समूह साध संगत नूं पता, खास तौर पर अमेरिका बैठी नूं, कि बाबा दविंदर सिंह जी अमेरिका की फेरी ते ने, ते उह 1 जनवरी तक अमेरिका दे वख-वख शहरां दे विच वख-वख स्टेटां दे विच संगतां दे दर्शन करनगे। अज उस कड़ी दे विच असी हैगे आ सैक्रामेंटो। गुरु घर है जी, बराड़ शाह गुरु घर के नाम नाल मशहूर है, बहुत आलीशान गुरु घर बनया होया। इत्थे अज उन्हां दा सैमीनार जिहड़ा हैगा गुरु घर दे विच संगतां नाल विचार वटांदरा जिहड़ा हैगा संत बाबा दविंदर सिंह जी डॉक्टर साहब दा, उह वी होएगा। रविदीप कौर मुक्ता जी जिहड़े ने ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾੜ ਸ਼ਾਹ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰੰਗ। ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਪ੍ਰੀਤ मन में प्रीत करो, मन में प्रीत करो। प्रीत करो मन में, ऐसी प्रीत करो मन में।
गुरु रूप साध संगत जी विच संगत हर प्रभ वसे जियो, रसना पवित्र करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, बड़े ही वड्डे भागां वाले हो जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की हजूरी विच बैठे। भाई सरबजीत सिंह जो कि सिख पंथ के श्रोमणी कीर्तनीय हैं, बड़ा प्रेम भरा कीर्तन करते हैं, आप जी ने वह कीर्तन श्रवण किया। मूल गल जो भाई साहब कह रहे सी, गल प्रेम दी है। प्रेम का अर्थ है, जे असी संधि करिए इसकी, मैं तो परे। साडे जीवन का उद्देश ही यही है, ये मैं खत्म करनी है। साडी सारी समस्यावां, सारिया प्रॉब्लम्स इस मैं करके हैं। महाराज कहते हैं ये मैं खत्म करनी है। दसवें पातशाह बख्शिश करते हैं तां प्रसाद सवैये विच, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। एब्सोल्यूट डायरेक्शन है, जे प्रेम जो प्रेम करनगे ओ ही प्रभ नूं पाणगे। प्रेम तो बिना प्राप्ति नहीं है। निछावर कर देना अपने आप नूं, सबमिट कर देना अपने आप नूं, ये रिक्वायरमेंट है अध्यात्म दी। महापुरुष बाबा इकबाल सिंह जी अक्सर क्या करते सी कि भाई अध्यात्म ते बहुत किताबां लिखिया हुई हैं, पर असी महापुरशों के चरणों में रह के छोटा जा नुस्खा ये ले लिया है। सानू अपने चरणों बिठा के सिखाया करते सी, उही आप जी नाल सांझे कर रहे हैं। अध्यात्म का इको ही अर्थ है, ये मैं खत्म करनी, मैं तो परे हो जाना। रस्ता की है इसका? सेवा ते सिमरन। सिमरन कहो जिहा? सिमरन हजूरी विच गुरु नू हाजर नाजर मन के सिमरन करना। कबीर साहब ने लिखा है, माया तो मन माला तो कर कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चौ दिशा फिरे, यह तो सिमरन नाहीं। सो जड़ा असी सिमरन करना है वो लगन नाल करना है, हजूरी विच करना है। कई दफ़ा असी सिमरन करते करते इस गल की होम विच आ जाते हाँ कि मैं बड़ा बंदगी वाला हाँ, मैं बहुत सिमरन करता हाँ, इस गल की होम हो जाती है। महाराज दी फरमान हन, पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, निवल प्रियंगम सादे पंच जना सो संग ना छुटक्यो, अधिक अहम बुद्ध बादे। होर असी होम विच आके अपने आप नूं बंधना च फसा लैंदे हाँ। सेवा जो दूसरा पिलर है गुरसिखी का, दो थंब हैं, ये दोवें थंब असी नाल नाल लैके चलने हैं, तां ही असी आत्म पद की प्राप्ति जोगे हो जावांगे। सेवा तीन तरह की है, धन की सेवा, महाराज का आदेश है हर सिख नूं, काल खाए किछ हथों दे नानक राह पछाणे से। कालना करके असी दसवंत कढ़ना है। संत अतर सिंह जी महाराज बख्शिश करते सी कि जे हर सिख दसवंत कढ़न लग पे ते सारे साडे पंथ दे कारज सहज सवाए पूरे हो जाणगे। साध संगत जी, एक सेवा धन दी है, जड़े जड़े माई भाई अजे भी दसवंत नहीं कढ़दे, भाई जीवन सफले करो, दसवंत कढ़ना शुरू करो, जो कि परोपकार विच लगने शुरू हो जाण।
दूसरी सेवा है तन दी सेवा। महाराज दा हुक्म है कि दसवां हिस्सा साडा जो समय दा है वो सेवा ते सिमरन च बतीत होना चाहिए, ढाई घंटे रोज़ दे। जो जो साडे कोल ज्ञान है, जो जो साडी काबिलियत है, उस दे अनुकूल असी सेवा करिए। कोई टीचर है तो बच्चों को पढ़ाने की सेवा करे, कोई डॉक्टर है तो मरीजा की सेवा करे। सो दूसरी सेवा तन की सेवा है। तीसरी सेवा जो हर अंग ते गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ते बार बार सानू टुंबदी है, वो है मन की सेवा। महापुरश बाबा इकबाल सिंह जी सानू लगभग रोज़ ही ये दोहराते सी, मन बेचे सतगुर के पास तिस सेवक के कारज रास। अपने आप नू बेच देना है, अपने आप नू खत्म कर देना है, अपने आप नू समर्पित कर देना है, ता फिर साड़ी होमे दी जड़ी बदबू है अंदर वो निकलनी शुरू हो जाएगी। साध संगत जी, असी थोड़ी जी सेवा करते हाँ तो चाहते हाँ कि साड़ा नाम अनाउंस होए। गुरु नानक साहब की कहते हैं, सारी सृष्टि के मालिक की सानू आदेश देते हैं, कहो नानक सब तेरी वड़ियाई। गुरु नानक साहब जो इस यूनिवर्स के मालिक हैं वह कह रहे हैं कि तेरी वड़ियाई है, और मंग की रहे हैं, कोई ना हो ना जाने मेरा। ये एनोनिमिटी ये असी हासिल करनी है। किवें करांगे? प्रेम नाल नाम सिमरन करांगे। प्रेमा भगती, प्रेम का अर्थ दास ने दस्या है, मैं खत्म करनी है। मैं खत्म करन दे की तरीके हैं? निरिच्छित सेवा, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। तो दूसरा प्रेम नाल सिमरन करना। साध संगत जी, इस युग दे महान ब्रह्म ज्ञानी संत सूरे संत अतर सिंह जी महाराज, जिन्हां नूं पूरे समुचे पंथ ने संत दी पदवी दित्ती सी, समुचा संत इकट्ठा हो के आप जी दे चरणा च आया सी ते कहा सी कि जो पंजवें पातशाह ने संत दी परिभाषा दित्ती है, आप जी उस ते खरे उतर रहे हो, ते संत आप सारा समुचा पंथ आप जी नूं संत दी पदवी प्रदान करदा है। इको ही एक संत होए हन जिन्हां नूं समुचे पंथ ने यह पदवी दित्ती है। आप जी दे किसी स्कूल विच नहीं सी गए, पर विजन इतनी क्लीयर सी कि आने वाला युग साइंस का युग है, तो जे असी साइंसदानों नूं धर्म नाल नहीं जोड़िया तो ये ऐसी काढ़ां कढ़नगे जिस नाल दुनिया कई बारी नष्ट हो जाएगी। असी देख ही लिया सैकेंड वर्ल्ड वॉर विच किस तरह अमरीका ने परमाणु हथियार डेग के दो बस्तियां हुई नगरियां उजाड़ दित्तियां, अजे तक उसका बुरा असर साडे ते पै रहा है, सारी मानवता ते पै रहा है। आप जी का आदेश सी संत अतर सिंह महाराज जी का कि हिमालय पर्वत विच एक ऐसा स्थान है जिथों के बच्चे बच्चियां अध्यात्मक ते दुनियावी विद्या लै के सारी दुनिया विच शांति का सुनेहा देंगे। आप जी दे सेवक संत तेजा सिंह जी महाराज, आप जी ने 1954 विच एक वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस जापान विच हिस्सा लिया। हिंदुस्तान दे ओ रिप्रेजेंटेटिव सी सिख धर्म दे। उस कॉन्फ्रेंस दा जो टीचा सी, जो थीम सी, वेज टू एस्टैबलिश पीस इन द वर्ल्ड। संत तेजा सिंह जी ने उत्थे कीनोट एड्रेस दिता सी ते नाल ही ऐलान कीता सी कि विश्व सदीवी शांति ताही आ सकती है, द ओनली वे टू एस्टैबलिश परमानेंट पीस इन द वर्ल्ड, जे असी बच्चियां नूं अध्यात्म दे नाल जोड़िए। If we impart spiritual education to our children,
स्पिरिचुअलिटी की परिभाषा पहले ही दे चुके अरदास, मैं तो परे होना वो अध्यात्म है। आप जी का आशा दे आशा अनुसार बाबा इकबाल सिंह जी ने पांच बच्चियां नाल अकाल अकैडमी बड़ू साहिब पहाड़ां विच जगह है वो शुरू की, जिसका जो फाउंडेशन है वो है अध्यात्मक विद्या का। आज उस जो बीज बोया सीगा 1986 विच, अज उसने एक विशाल बरगद का रूप ले लिया है। 129 अकाल अकैडमियां उत्तरी भारत विच स्थापित हो गई हैं, 97 अकैडमियां पंजाब विच हैं, बाकी हरियाणा राजस्थान उत्तर प्रदेश ते हिमाचल प्रदेश विच हैं, जिथे के 70,000 बच्चे अध्यात्मिक ते दुनियावी विद्या दी अदुति शिक्षा ले रहे हैं। इको ही एक ए चेन ऑफ स्कूल्स है जिथे के रोज़ 70,000 बच्चे पहले पंज बाणिया का नितनेम करते हैं, उपरंत दुनियावी विद्या लेंदे हैं। इसका रिजल्ट की है कि ये बच्चों विच सहज अवस्था है, ठहराव है, मन चंचल नहीं है, पदार्थवाद वाल इन्हों का ध्यान बहुत घट है। ये साडे शांति दे दूत हैं। जो संत अतर सिंह महाराज जी का जो सुनेहा सी, जो गुरु नानक देव जी का सुनेहा है सरबत दे भले का, वो ये शांति दे दूत समुची दुनिया में जाके ये जो मैसेज है गुरु नानक का, शांति का मैसेज, प्यार का मैसेज, करुणा का मैसेज, दया का मैसेज, ये सारी दुनिया में बच्चे जाके देंगे। साध संगत जी, इस तो इलावा दो यूनिवर्सिटियां भी बना लिया हैं संस्था ने। एक लड़कियां दी यूनिवर्सिटी बड़ू साहब विच है, मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटियां हैं ये। दूसरी कलगियां वाले दी नकरी दमदमा साहिब विच, वो भी एक मल्टी डिसिप्लिनरी अकाल यूनिवर्सिटी है। साध संगत जी, इन विद्यालयों विच जो 70,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हां चों 7,000 बच्चे फ्री एजुकेशन लै रहे हैं। महापुरशां ने ये ऐलान किया सी कि असी 10,000 बच्चे फ्री पढ़ावांगे ते 10,000 बच्चे अद्धी फीस ते पढ़ावांगे। हुण तक असी 5,000 बच्चे फ्री पढ़ाने की क्षमता कर रहे हाँ, 2,000 बच्चे अद्धी फीस ते पढ़ रहे हैं। सो साध संगत जी, दास बेनती करेगा समुची संगत नू, जिथे जिथे भी दास की आवाज़ जा रही है देश विदेश विच, कि भाई ये महापुरशां ने एक बीड़ा चुक ली है, असी भी अपनी माया सफली करिए, असी अपना दसवंत इस विच पाइए। ये जो बच्चे महापुरशां ने पढ़ाने हैं फ्री, उन्हां दी एजुकेशन स्पॉन्सर करिए। साध संगत जी, इस समय पंजाब विच एक बड़ी होर वड्डी समस्या खड़ी हो गई है। कई असी सदियां तो साडे वीर जो पिछड़ी जातियां दे सी, उन्हां नू असी इग्नोर करदे चले गए, उन्हां नू असी प्यार नहीं कीता, गले नहीं लगाया। एज अ रिजल्ट साडे ओह रुखेपन तो दूर हो के बहुत ही तेज़ी विच ईसाई बनते जा रहे हैं। शायद आप जी नू इसका ज्ञान ना होए, 37% पॉपुलेशन पंजाब दी पिछड़ी जातियां दी है, 37% हाईएस्ट है ये कंट्री दी। किसी भी होर सूबे विच इतने बैकवर्ड क्लासेस दे लोग नहीं हैं। साड़ा फर्ज बनता सी कि इन बच्चों को संभाल लेंदे, अपने नाल जोड़ लेंदे, असी बड़ी भारी गलतियां कर बैठे हाँ। हुण भी समा है असी इन पिछड़िया लोगों नू प्यार करिए। अजे भी जो ये बच्चे ईसाई बन रहे हैं, ज़्यादातर परिवार मिक्सड हैं, एक भरा ईसाई बन गया, दूजा अजे भी गुरुद्वारे जाता है, इस तरह का चल रहा है। जे असी मल्ला मारीे कोशिश करिए तो इन सारे बच्चों जो दूसरे पासे जान लग पे हैं, इन्हों रोक लीए। महापुरशां ने
पंजाब दे हर कोने ते अकैडमी खोल दिती है। दुआबा जिथे के ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है उत्थे 17-18 स्कूल हैं। माझा बॉर्डर बेल्ट फिरोजपुर तो लैके अमृतसर साहिब तरन तारण गुरदासपुर पठानकोट इस बेल्ट विच भी तकरीबन 16 स्कूल हैं। यही बेल्ट्स हैं जिथे के ये जो ईसाइया का जो असर हो रहा है सब तो ज़्यादा प्रचार है। भाई असी सारे इस गल नूं तो जाणू हो जाइए, मेहनत करिए ते ये बच्चे स्पोंसर करिए तां कि ये जो समस्या पंथ दे अगे बड़ी वड्डी भीड़ा आ रही है इसनूं असी संभाल सकीए। इन्ना कहिंदा होया दास आप जी तो खिमा मंगदा है। देहो सज्जन असी सड़िया जो होवे साहेब से मेल, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास बेनती करेगा मुक्ता भैन जी नूं कि आके दो मिनटां वास्ते सारियां नूं ये जाणू करवा दें कि जिहड़े बच्चे उत्थे पढ़ रहे हैं उन्हां दी स्पोंसरशिप करन दा की तरीका है, किवें असी अपनी माया सफला कर सकते हाँ, किवें असी दसवंत नूं सफला कर सकते हाँ, सफल कारज विच लगा सकते हाँ। भुल चुक दी खिमा, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सात संगत जी, एक बच्चे दी ईयरली स्पॉन्सरशिप जड़ी है $500 हैगी है, जड़ी की बच्चे दा पढ़ाई दा खर्चा स्कूल दा ट्यूशन फीस स्कूल फीस सारा कुछ कवर हो जाता है। तो नैक्सट ईयर की है कि तुसी उसी बच्चे नूं ईयरली बेस से रिन्यू कर सकते हो। उदे नाल दे नाल लाइफ टाइम जिहड़ी स्पॉन्सरशिप हैगी है कि बच्चे की पूरी कंप्लीट पढ़ाई का खर्चा फ्रॉम किंडरगार्डन तो लैके 12th ग्रेड तक 14 साल का वो $4,000 हैगा सात संगत जी, जिदे विच वो फंड जिहड़ा कि अकाउंट विच डिपॉजिट हो जाता है। उदे रेट ऑफ इंट्रस्ट के नाल बच्चे ने अपनी पढ़ाई जिहड़ी है कंप्लीट कर लैनी हैगी है। असी बच्चे की इनफॉर्मेशन डोनर नूं प्रोवाइड भी कर दिंदे आ कि बच्चा कि अकाल अकैडमी विच पढ़ रहा हैगा वे, तो बच्चे की बैकग्राउंड बच्चे दियाँ प्रोग्रेस रिपोर्ट्स तो बच्चे दियाँ पिक्चर्स और डोनर नाल शेयर कर दित्तियां जांदियां ने। ते आप जी बार अपना टेबल भी लग्या होया, जे होर कोई जानकारी आप जी नूं चाहीदी होवे तो आप जी गल कर सकते हो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।